मूवी की शुरुआत में एक फॉक्स दिखाई जाती है जो एक फ्रॉग का पीछा कर रही होती है, पर बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी एक छोटा सा लड़का वहाँ आके उस फॉक्स की मदद करना चाहता है, पर गलती से वो ही पहाड़ी से नीचे फिसल जाता है। फॉक्स बच जाती है पर उसको भी बचाना चाहती है, पर गलती से लड़के के हाथ पे पंजा मार के उसको चोट लगा देती है और उस लड़के की ग्रिप छूट जाती है। वो लड़का पहाड़ी से गिर जाता है और वो फॉक्स उसको मिलने जाती है, लेकिन उसे देख के लगता है कि वो मर गया। वो फॉक्स बहुत ही उदास होती है और रोती है, और रोते हुए उसके आंसू उस लड़के के हाथ पर गिर जाते हैं। और उसके बाद मूवी 500 साल आगे दिखाई जाती है। फिर दिखाते हैं कि जितने भी फॉक्स थे उन सभी की स्पिरिट्स ह्यूमन फॉर्म में आ गई है, यानी कि इंसानों के अंदर फॉक्स की आत्माएं रहती हैं। काफी सारे फॉक्स स्पिरिट्स लीडर के इनवाइट पे जाते हैं, पर उनमें से एक जिसका नाम बे है उसके पास टिकट नहीं है, क्योंकि वो एक कमजोर फॉक्स है और हाफ ब्रीड है, जिस वजह से उसको उन्हें ज्वाइन करने की परमिशन नहीं मिलती। पर बे एक ऐसा इंसान है जो सब सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो चुपके से सब कुछ देखेगा। सेरेमनी में ट्राइब का लीडर आता है जो कि नाइन टेल फॉक्स डेमन है और ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। वो वहां सबका स्वागत करता है और डिक्लेयर करता है कि इस इवेंट में वो यंग फॉक्सेस को कैसे इमॉर्टल होना है ये बताएगा। फिर इस प्रोसेस के लिए यंग फॉक्सेस को एक चीज ढूंढनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एलेक्सर। एलेक्सर इंसानों की बॉडी में मिलता है, लेकिन सभी इंसानों की बॉडी में एलेक्सर नहीं है, पर ये वॉलंटियर्स के द्वारा कुछ टाइम में पाया जा सकता है। ट्राइब लीडर के समझाने के बाद वो अपने काफी स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाता है जिन्होंने इंसान से एलेक्सर ले लिया है। उसके एक स्टूडेंट एजी को रेड कलर का एलेक्सर मिलता है, जबकि बाकी स्टूडेंट को ब्लैक एलेक्सर मिलता है। ऐसे पता चलता है कि एलेक्सर का जो भी कलर है उसका वैसा ही फायदा है, पर ब्लैक कलर के एलेक्सर को छोड़ के। एजी वहाँ पे सभी को बताती है कि उसने धोखे से इंसान की बीवी का भेस बनाया और वो उसको मारने की एक्टिंग करती है, जिसे देख के उसका हस्बैंड उसे अपना एलेक्सर देने का वॉलंटियर करता है। लीडर उसकी तारीफ करता है और उससे रिजल्ट में 5 टेल मिल जाती है। उसके बाद लीडर डिक्लेयर करता है कि अगले महीने की 15 तारीख को ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हजार सालों में बस एक ही बार मिलती है, जो कि व्हाइट एलेक्सर को पाना है। वो व्हाइट एलेक्सर उन यंग फॉक्सेस को इमोर्टल और फर्स्ट क्लास 9 टेल वाले फॉक्स स्पिरिट बना देगा। लीडर फिर यंग फॉक्सेस को बुलाता है उनकी हाथ को फर्नेस में डालने के लिए, जिनसे उन्हें अगले टारगेट का क्ल्यू मिलेगा। वो फर्नेस काम नहीं करता क्योंकि उन यंग फॉक्सेस में से कोई एक वहाँ नहीं था और वो फॉक्स बे था। तभी बे वहाँ आ जाता है और मिशन को ज्वाइन करना चाहता है। लीडर्स नहीं चाहते कि वो ज्वाइन करे, पर फर्नेस को एक्टिव करने के लिए लीडर उसे ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। फर्नेस यंग फॉक्सेस के हाथ पे मार्क करने लगती है, पर बे के हाथ पे मार्क नहीं आता। बे फिर से फर्नेस में हाथ डालता है, पर इस बार फर्नेस उसका हाथ एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर बे अपना हाथ पीछे खींचता है और बाकियों की तरह उसके हाथ का मार्क कम्प्लीट नहीं हुआ है और उसका टारगेट लॉन्ग ईयर्स है। अब सेरेमनी के खत्म होने के बाद लीडर बे से मिशन की बात करते हैं। लीडर बोलते हैं कि अगर बे व्हाइट एलेक्सर ढूंढ लेगा तो वो हेवन में चला जाएगा। बे हैरान होना शुरू हो जाता है, पर तभी लीडर बोलता है कि वो मजाक कर रहा है। उसके बाद लीडर बोलते हैं कि बे एक हाफ ब्रीड है और वो उसे सड़क के किनारे मिला है, इसीलिए अगर वो मिशन में केयरफुल नहीं रहा तो वो फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बदल जाएगा। फिर लीडर उसे सेल्फ डिफेंस करने के लिए एक ब्लेड देते हैं और बे लीडर के गले मिलने की नौटंकी करता है, जिस दौरान वो कम्युनिकेशन डिवाइस वॉक्सी को लीडर से चुरा लेता है। वो डिवाइस बोल सकता है और दिखाता है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता, पर वो उसकी परवाह नहीं करते हुए उसे साथ लेके जाता है। अब बे के जाने के बाद कोलीडर आते हैं और कुछ फॉक्सेस की डेड बॉडीज कोलीडर को दिखाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये मिशन में फेल हो गए और इंसानों द्वारा मारे गए। अब ये देखकर लीडर को बे की चिंता होती है और वो कोलीडर को हुक्म देते हैं कि वो इस मिशन के दौरान बे पर नजर रखें। यहां से सीन सीधे बे पे जाता है जो एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है और आराम करके एक छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाता है। वहां एक यंग ट्रैवलिंग स्कॉलर जिसका नाम जिजिन है अपने भाई की तलाश में आता है। उसके भाई की फोटो उसके हाथ में होती है। जिजिन लोगों से अपने भाई की जानकारी पूछने की कोशिश करता है जो कि पेंटिंग में है और वो बे से रेस्टोरेंट में मिल जाता है, लेकिन बे जिजिन में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल खाने में मस्त है, जिस वजह से जिजिन वहां से चला जाता है। जिजिन के जाने के बाद कम्युनिकेशन डिवाइस वॉक्सी को बताती है कि उसका टारगेट जो एलेक्सर दे सकता है वो यहीं आसपास है। ये सुनने के बाद बे भाग के रेस्टोरेंट से बाहर जाके अपने टारगेट को ढूंढता है और वॉक्सी बे को बताती है कि उसके टारगेट के लॉन्ग ईयर्स हैं। फिर बे छोटी सी सेरेमनी में पहुंचता है, ऐसी जगह जहां एक एल्डर एक छोटे बच्चे को उसकी बीमारी से क्योर कर रहा है। वो एल्डर विलेजर्स को बहुत सारे डिमोन्स का सोल दिखाता है पेंटिंग में और वहां पर कट करके खून नीचे गिरता है और उसी से सबको हील करता है। अब ये देखकर बे डर जाता है कि कहीं वो एल्डर उसको भी पेंटिंग वाले डेमन की तरह पकड़ न ले। उसी दौरान बे गलती से जिजिन से टकरा जाता है और बे डोंकी के स्टेबल में गिर जाता है, जिस वजह से डोंकी शॉक हो गए
स्ट्रेस टेबल से भाग जाता है। उसी टाइम जिजन का डोंकी भाग के बे पे क्रैश होता है और उसे भी गांव से बाहर लेके जाता है। अब ये देख के जिजन अपने डोंकी को पकड़ने के लिए भागता है और वो एल्डर जिसने डेमन के ब्लड से लड़के को हील किया था वो जादू का इस्तेमाल करके जिजन की बॉडी में कुछ कर देता है। अब सीन बे के पास आता है जिसे डोंकी जंगल में छोड़ता है और जिजन आके उसे डोंकी के बारे में पूछता है। बे बोलता है कि उसे जिजन की डोंकी के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो भाग गया था। बट जिजन फिर भी उसका पीछा करता है और अपनी डोंकी की डिमांड करता है। वो दोनों थकने तक भागते ही रहते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि वो जंगल में गायब हो गए हैं। वहां उन्हें एक छोटा हुआ घर दिखता है और वो रात को उसी घर में काटने का फैसला करते हैं और बे प्रॉमिस करता है कि वो डोंकी को वापस जरूर ढूंढेगा। डोंकी के बारे में बोलते हुए बे को उसके टारगेट के बारे में याद आता है जिसके लॉन्ग ईयर्स हैं, तो उसे लगता है कि जिजन ही उसका टारगेट है। उसके बाद वो दोनों उस एबेंडेंट घर में रहते हैं और बे जिजन का दोस्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन जिजन उससे अभी गुस्सा है और क्योंकि उसी की वजह से उसका डोंकी जंगल में गायब हुआ है। जिजन उसे बताता है कि वो डोंकी उसके भाई की प्रॉपर्टी है जिसे वो ढूंढ रहा है। जिजन बोलता है कि जब से उसका बड़ा भाई गवर्नमेंट ऑफिसर के एग्जाम देने गया है तब से वो गायब हो गया है। अगले कुछ दिन कैपिटल सिटी में एक और एग्जाम होने वाला है तो वो जरूर कैपिटल सिटी जाएगा एग्जाम देने और अपने बड़े भाई को ढूंढेगा। बाप ने उस रात बे के इरादे जिजन को मारकर एलेक्सा ढूंढने के होते हैं, पर वहाँ को लीडर अपेयर होकर उसे वार्निंग देते हैं कि एलेक्सा टारगेट के वॉलंटियर करने पर ही मिलना चाहिए। ये सुन के बे को लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक चीज खरीदे जो कि जिजन का डोंकी ढूंढना है। अगली सुबह डोंकी मिल जाता है और बे ऐसे दिखाता है कि वो भी ऐसा इंसान है जो कैपिटल सिटी में एग्जाम देने जाना चाहता है और फिर वो दोनों साथ जर्नी करने का फैसला लेते हैं। कुछ देर में ही वो दोनों एक छोटे से गाँव में पहुँचते हैं जो फॉग से कवर्ड है। वहाँ वो एक छोटे से गेस्ट हाउस में आराम करने का फैसला लेते हैं और उस गेस्ट हाउस का मालिक उन्हें अंदर का रास्ता दिखाता है और वहाँ उन्हें बहुत सारे स्कॉलर्स दिखते हैं जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाद में उस रात जिजन एक फ्रॉग डेमोन से आकर्षित होता है जो अपने बर्ड से सोना निकालता है। जिजन उस फ्रॉग का पीछा करता है और वो गेस्ट हाउस के ओनर से मिलता है। तभी गेस्ट हाउस का ओनर उस पर अटैक करना शुरू करता है और उसे बदल के सब कुछ डेमोन के विजन से दिखता है। जिजन देखता है कि बहुत सारे डेमन्स फ्रॉग के द्वारा मारे गए और वो अगला हो सकता है। फिर वो फ्रॉग डेमोन उसको खाना चाहता है बट किस्मत से बे वहाँ पर टाइम पर आगे उसे फ्रॉग से बचा लेता है। बे अपनी तरफ से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है पर वो फ्रॉग डेमन से एस्केप नहीं कर पाता। अब एकदम से बे जिजन के बचने के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करने का फैसला लेता है और क्योंकि एक डेथ होना दो डेथ से बेहतर है। जिजन के बच के भागने के बाद मूवी में रिवील करते हैं कि फ्रॉग डेमन बे का दोस्त है। उसने ये प्लान तैयार किया है क्योंकि वो चाहता है कि जिजन अपनी मर्जी से उसे एलेक्सा दे दे। कुछ देर बाद जिजन आता है लेकिन वो वहाँ अपनी सोल देने बे की जिंदगी के बदले नहीं आया पर डेमन के साथ मरने के लिए आया है। जिजन अपने हाथ में बहुत सारे बॉम्ब्स और टॉर्च लेके फ्रॉग को धमकी देता है कि अगर उसने बे को बाहर स्पिट नहीं किया तो वो उसके साथ मर जाएगा। इस दौरान फ्रॉग डेमन उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है पर बदकिस्मती से वो फ्रॉग डेमन बॉम्ब्स और टॉर्च को अब्सॉर्ब कर लेता है जिस कारण ब्लास्ट होता है और बे बाहर आ जाता है। फिर बे बेहोश होकर ऑलमोस्ट अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर कोलीडर आके जिजन को नॉकआउट कर देते हैं और बाद में कोलीडर जिजन को एक बोट पे लेके जाते हैं और वो अभी भी बेहोश होता है। फिर वो बे और फ्रॉग डेमन पे उनके बेवकूफ प्लान के लिए इल्जाम लगाता है और बोलता है कि अगर जिजन की बॉडी में जो एलेक्सा है वो ब्लैक हुआ और जो उन्होंने किया वो सही है या नहीं। कोलीडर फिर बे को सजेस्ट करते हैं कि वो जिजन को कैपिटल सिटी में लेके जाए और वो बे की मदद करेंगे जिजन की बॉडी में जो एलेक्सर है उसका कलर पता करने में। उनकी बातों के दौरान जिजन उठा होता है और वो नदी में कूद के फ्रॉग डेमन और कोलीडर का रास्ता स्प्लिट करता है। जिजन बे को बोट पे ढूंढने की कोशिश करता है और फिर बे दिखाई देता है हाफ डेमन फॉर्म में। जिजन शांत होता है और बे से बात करने जाता है और साथ में वो बे की चोट को भी हील करता है। जिजन फिर खुश दिखाई देता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि डेमन की स्प्रिट का इंसानों की काइंडनेस को लौटाने आना बस एक लेजेंड है। उसी दौरान जिजन को एहसास होता है कि उसे बोट पे डोंकी नहीं दिखाई दे रहा और कोलीडर नदी से बाहर कूद के खुद को डोंकी में ट्रांसफॉर्म करने का फैसला लेता है क्योंकि वो डोंकी को गेस्ट हाउस से लेके जाना भूल गए थे। अब जर्नी के दौरान बे बॉक्सी को जिजन को दिखाता है और हमें पता है कि वो और जिजन काफी क्लोज हैं। कुछ देर बाद ही वो कैपिटल सिटी पहुंच जाते हैं जो एग्जाम की जगह है और वहाँ बहुत सारे ब्रोथल्स भी हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा आके जिजन को बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। वो लड़का जिजन को ब्रोथल में लेके जाता है और ब्रोथल का मैनेजर बे को इंटरप्ट करता है। मूवी में रिवील किया जाता है कि ब्रोथल का मैनेजर असलियत में कोलीडर है जिसने भेस बदल के ये प्लान बनाया है ताकि वो जिजन की बॉडी में जो एलेक्सर है उसका कलर कन्फर्म कर सके। सीन जिजन के पास आता है जो एक कमरे में बंद है और वो एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसका नाम इंग्लैंड है और वो इंसान की बॉडी में जो एलेक्सर है उसका कलर पता कर सकती है। इनफैक्ट वो एक भूत है और उसे कोलीडर ने ऑर्डर दिया है। फिर वो जिजन को आकर्षित करने की कोशिश करती है पर जिजन खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोकता है, लेकिन जैसे ही वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है उसकी बॉडी से कुछ अजीब सा निकलता है और ये वही जादू होता है जो उस टाइम एल्डर ने उसकी बॉडी पे किया था। फिर वो ठीक होने का दिखावा करती है और जिजन एक जेंटलमैन की तरह हर बार उसकी तरफ अपनी पीठ करता है जिस वजह से वो बार बार अटैक होती है।
कुछ देर बाद वो रोना शुरू कर देती है। फिर जिसन सोचता है कि वो रो क्यों रही है, उसे लगता है कि जिसन उससे प्यार नहीं करता। लेकिन जिसन उसे दिलासा देता है कि एग्जाम पास करने के बाद वो पैसे देके उसे ब्रदर से आजाद करवा देगा और उसे शादी करेगा। ये सुन के वो एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों जिसन के सोने तक बातें करते हैं। उसके बाद बे उससे मिलने जाता है और उसे जिसन के एलेक्सर का कलर पूछता है। वो उसे बताती है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका कलर कौन सा है, क्योंकि वो एक मैजिक से प्रोटेक्टेड है और इस वजह से वो उसके पास नहीं जा सकती। बाद में दिखाते हैं कि बे जिसन को बोर्ड पे लेके जाता है जब जिसन सो रहा होता है। बे फिर वॉक्सी से बात करता है कि अगर जिसन उसका टारगेट नहीं तो वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उसी समय कोलिडर जाके यंगलिन को टॉर्चर करता है क्योंकि वो मिशन में फेल हो गई और उसकी सोल को लोटस में रखे हुए कोलिडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगली सुबह जिसन नर्वस दिखाई देता है ये जानने के बाद कि एग्जाम ने बस कुछ ही कैंडिडेट्स को चुना है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। बे उसे दिलासा देता है और वो दोनों अपने गोल को पूरा करने का कमिटमेंट करते हैं। और जब कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का इंतजार कर रहे थे तो बे एक भूत के सोल को स्पॉट करता है जो एग्जाम रूम में जाता है, पर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। उसके बाद वो और जिसन एग्जाम रूम में एंटर करते हैं और कमेटी अनाउंस करती है कि एग्जाम शुरू हो गया। सभी कैंडिडेट्स अपना बेस्ट देते हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पर बे को कोई आइडिया नहीं है और वो एग्जाम के दौरान बस खाता रहता है। एग्जाम रात तक चलता है और एक कैंडिडेट बोलता है कि उसने भूत देखा, पर कमेटी उसे एग्जाम से बाहर लेके जाती है। उसके बाद यंगलिन का सोल एग्जाम में आता है और बे के सोल को उसकी बॉडी से बाहर खींचता है। वो उसे बताती है कि एग्जाम रूम में एक और सोल है जो कैंडिडेट्स का सोल लेना चाहता है, जिसमें जिसन भी आता है। वो बोलती है कि ये सही टाइम है जिसन से एलेक्सर लेने का और उसे बताती है कि जिसन की बॉडी में व्हाइट एलेक्सर है, लेकिन वो बस इतना चाहती है कि इन सब के बदले बे कोलिडर से लोटस चुरा ले। ये सुन के बे उससे एग्री करता है और एग्जाम रूम के भूत के सोल से पहले ही जिसन का सोल खींच लेता है। अब जिसन के सोल को पता नहीं कि उसकी बॉडी पे क्या हो रहा है और वो वॉक करता है। तभी वो एक कैंडिडेट से मिलता है और पता चलता है कि वो उसका बड़ा भाई है। एकदम से पता चलता है कि उसका बड़ा भाई एग्जाम रूम में घोस्ट है और वो जिसन पे अटैक करना शुरू करता है। उसी दौरान बे आके उसकी मदद करता है। बे के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसको मार के एलेक्सर लेने की, पर वो ऐसा नहीं करता। तभी जिसन का बड़ा भाई एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को दूसरी जगह पहुंचा देता है जो लेटर से कवर्ड है। वहां जिसन के सोल को ब्लैक होल में चिपकाया हुआ है और कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी बे को बोलती है कि उसे जिसन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि एलेक्सर लेने का ये सही मौका है। क्योंकि बे जिसन को एक अच्छा दोस्त समझता है तो वो ब्लैक होल में खुद जिसन की मदद करता है। जिसन का सोल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके बड़े भाई के स्पेल के कारण और बे का सोल दूसरे कैंडिडेट्स के स्पिरिट द्वारा पकड़ा गया है। वॉक्सी बे को चेतावनी देती है कि इस सिचुएशन को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, जो कि है जिसन के भाई के सोल को याद दिलाना कि वह उसका भाई है। उसी दौरान बे वॉक्सी को उसकी मदद करने का सजेशन देता है और फिर जिसन के भाई के सोल को सब याद आता है कि वो उसका भाई है। ऐसे पता चलता है कि जिसन का बड़ा भाई पास्ट में ऐसा इंसान था जो एग्जाम को पूरी जिंदगी में पास करना चाहता था। उसने हर सीजन में एग्जाम दिए थे पर वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ और वो ऐसे ही एक दिन रूम में मर गया। यही रीजन है कि वो हमेशा कैंडिडेट्स की सोल को लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई एग्जाम पास करे। उसका पास्ट याद दिलाने के बाद कैंडिडेट्स के सोल को छोड़ दिया जाता है। फिर वॉक्सी ब्लास्ट हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि जिसन के भाई को उसका पास्ट याद दिलाने में मदद करने के बाद वो मर गई। जिसन के भाई का सोल एक अच्छा घोस्ट बनना शुरू करता है और जिसन को बे से बच के रहने के लिए बोलता है, ये क्लेम करते हुए कि वो बस जिसन की बॉडी से एलेक्सर लेना चाहता है। अब ये बोलने के बाद उसका सोल गायब हो जाता है क्योंकि बे और जिसन को घोस्ट की दुनिया से रिलीज कर दिया जाता है। अब वो इंसानी दुनिया में लौट आते हैं। उसके बाद जिसन बे को उसकी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और वो बे को अपनी बॉडी से एलेक्सर देना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि एलेक्सर के बाद वो मर जाएगा। जिसन का एक मकसद है वो यंगलिन को ब्रदर से रिलीज करना चाहता है। तभी बे उसे उसका सच बताता है कि वो एक घोस्ट है। बे बोलता है कि जब वो जिंदा थी तब उसे ब्रोदल को बेच दिया था और फिर उसने नदी में जान दे दी थी। उसके बाद उसकी सोल को एक लोटस में रख दिया था और वो हमेशा इंसानों का दिल खाती है और उनका खून चूसती है अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए। बे उसे बोलता है कि यंगलिन को ब्रोदल से रिलीज कर दिया जाएगा अगर उसे उसका ट्रू लव मिल गया। उस रात बाद में जिसन शादी के जोड़े के साथ उसे शादी करने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, पर जिसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे उसके प्यार को समझाने की कोशिश करता है और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि कर्ज के खत्म होते ही वो दोनों भाग जाते हैं। यंगलिन जिसन को लेके भागती है क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जान जाती है कि बे उसकी बॉडी से एलेक्सर लेना चाहता है और इससे जिसन मर जाएगा। लेकिन बे उनका पीछा करता है और वो उन्हें बताता है कि अब वो जिसन को हर्ट नहीं करना चाहता, पर यंगलिन गलत समझती है और उस पर भरोसा नहीं करती। फिर वो बे को मारने की कोशिश करती है ताकि वो श्योर रहे कि जिसन सेफ है, पर जिसन खुद भी बे को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसन के ये बताने के बाद कि वो खुद को वॉलंटियर कर रहा है बे को एलेक्सर देने के लिए, पर यंगलिन फिर भी नहीं चाहती कि वो ऐसा करे। उसने बे को ऑलमोस्ट मार दिया होता है, पर उसी दौरान एक ब्लेड उसकी बॉडी में स्टैब होता है और ये रिवील होता है कि फ्रॉग डेमोन ने बे की मदद की है।
अब ये देख के जिजिन सोचता है कि ये बेका प्लान है और यिंगलिन को लेके उसे छोड़ के जाता है। जिजिन उसे दूर लेके जाता है पर वो अभी नदी के ऑलमोस्ट पास पहुंचता है पर वो लेट हो जाते हैं और फिर आखिरी में वो उसकी काइंडनेस का शुक्र अदा करती है और फिर वो इस तरह मर जाती है, जिससे जिजिन बहुत ही उदास होता है। तभी बे आता है और जिजिन उस पे यिंगलिन की मौत का इल्जाम लगाता है। अब वो इतना दुखी है कि वो बे को सजेस्ट करता है कि वो उसे मार दे और फिर बे अपने आप उसकी बॉडी से एलेक्सा ले सकता है। जिजिन को इस तरह इतना ज्यादा दुखी देखते हुए बे उसे हर चीज के लिए माफी मांगता है और वो फैसला करता है कि वो सुसाइड कर लेगा और अपनी बॉडी को स्टैप करके खुद ही मर जाएगा। तभी बे फॉक्स ट्राइब में टेलीपोर्ट हो जाता है और सब कुछ ही रिवील करता है कि उसका मिशन ट्राइब के लीडर और एल्डर ने ऑब्जर्व किया है, जो जिजिन की बॉडी में जादू से छुपा था। लीडर बे को समझाते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हजार साल में बस एक बार आती है, ये व्हाइट एलेक्सर को पाने की नहीं पर खुद की जिंदगी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने की है। वो बोलता है कि 500 साल पहले जिजिन एक बच्चा था और ये वही बच्चा है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और वो फॉक्स बे है जिसकी मदद वो बच्चा करता है और बे खुद भी उसके बदले में मदद करना चाहता है और इसे ही दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना बोलते हैं। उस समय बे जिजिन की मदद नहीं कर सकता था पर उसके आंसू जब उसके हाथ पे गिरते हैं तो वो प्लांट होके व्हाइट एलेक्सर बनता है। मास्टर बोलता है कि ये उसकी डेस्टिनी है और जिजिन इसी लाइफ में पैदा हुआ है ताकि वो बे को इमॉर्टल बना सके। सीन जिजिन पे आता है जो बे के गायब होने के बाद हर तरफ जाके उसको ढूंढता है क्योंकि वो बे को सॉरी कहना चाहता है। वो चलता जाता है और एक बैम्बो के जंगल में पहुंचता है और फिर वहां उसे बे मिल जाता है। उसको एहसास होता है क्योंकि बे हाफ ब्रीड है, अगर उसे व्हाइट एलेक्सर डेडलाइन से पहले नहीं मिला तो वो असली फॉर्म में आ जाएगा। वो बोलता है कि वो बहुत खुश था जब बे उसका दोस्त बना और वो बस एक चीज चाहता है जो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। बात करने के बाद वो अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रैप करता है ताकि वो बे को व्हाइट एलेक्सर दे सके। कुछ देर बाद एक और बे वहां आता है और ये रिवील होता है कि जो बे पहले दिखाया वो कोलिडर है। कोलिडर रिवील करता है कि जिजिन की बॉडी का एलेक्सर व्हाइट नहीं ब्लैक है, जिसका मतलब यह है कि वो यूजलेस है। और साथ ही में वो ये भी रिवील करता है कि उसने बे की मदद बस इसलिए की क्योंकि उसे व्हाइट एलेक्सर खुद के लिए चाहिए था और उसी वजह से उसकी अब सारी मेहनत वेस्ट हो गई क्योंकि कोलिडर ने जिजिन को मार दिया है। बे को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन बे के सामने कोलिडर की पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो सिक्स टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फिर बे से बदला लेता है और कुछ देर बाद उसको मौका मिलता है अपनी एक टेल से बे की बॉडी को स्टैप करने का। अब मरने से पहले बे जिजिन के एलेक्सर को टच करता है और उसे सब चीज का विजन आता है जो वो जिजिन के साथ पास्ट में करता था। तभी एलेक्सर का कलर बदल जाता है जो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है और वो उड़ के बे की डेड बॉडी में जाके उसे इमॉर्टल बना देता है। अब बे के पास सुपर पावर है और वो कोलिडर को अटैक करने जाता है और विलन उसे एक बार भी नहीं मार पाता। उसके साथ बे कोलिडर की एक टेल खींचता है जिससे वो बस 5 टेल वाला रह जाता है। फिर वो ऑलमोस्ट कोलिडर को मार देता है पर उसे जिजिन की बातें याद आती हैं कि तुम्हें किसी को नहीं मानना है और उसके बाद वो कोलिडर को जाने देता है। उसके बाद